नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला रायसीन तहसील उदयपुरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम के आमरा वन से आज समस्त कांवरियों ने मां नर्मदा से जल भरकर देवरी के लिए प्रस्थान किया। सारे कांवड़िए देवरी की विभिन्न गलियों से होते और राम जानकी मंदिर में शिव अभिषेक करके कांवड़ यात्रा समाप्त करेंगे। कांवड़ यात्रा हिंदू उत्सव समिति देवरी के सानिध्य में माँ नर्मदा के आंचल से प्रारंभ होकर जगह जगह स्वागत के साथ देवी राम जानकी मंदिर में शिव अभिषेक करने के बाद समाप्त होगी। दिन मंगलवार कांवड़ यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। ये जल भगवान को अर्पित करेंगे। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस यात्रा में, इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होने के लिए हिंदू उत्सव समिति और देवरी के बाकी सभी लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस यात्रा में आऊं, सम्मिलित हूं और धन लाभ ले सकूं। देवरी वापस करेंगे राम जानकी मंदिर में। इस यात्रा का उद्देश्य सबको जो है छबरावास चल रहा है, जागरूक हुई हमारी हिंदू समिति और देवरी हिंदू संगठन इकट्ठे हुए चालू कर दिया। इसमें कोई मतलब आपके साथ में मतलब कोई जनप्रतिनिधि नहीं? जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी श्री नरेंद्र बाबू जी साथ में, हमारे अथक प्रयास है उनका, वो भी साथ कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं हमारा, और हमारे साथ जनपद सदस्य सूर्य प्रताप भी जी हैं, सरपंच जी सब लोग भी हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, नगर के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। रायसेन से दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।